आरसीबी के लिए आईपीएल 2020 बहुत ही शानदार तरीके से गुजर रहा था, लेकिन उसी बीच गाइस यहां पे एक बहुत ही बुरी खबर यहां पे सामने निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। तो गाइस यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के एक खिलाड़ी जो कि यहां पे इंजर हो चुके हैं, एंड जो गाइस इंजरी हुई है ये कोई छोटी मोटी इंजरी नहीं हुई है, एक गाइस बहुत सीरियस वाला मैटर है। तो गाइस यहां तक कि वो गाइस यहां पे आईपीएल 2020 से बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि वो पूरी तरह से आईपीएल 2020 से बाहर होंगे, लेकिन गाइस उनको जो कि इंजरी हुई है रिपोर्ट यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है। एंड उसके बाद माइक हसन की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने निकल कर आ रही है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो प्लीज एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ू उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले कौन से खिलाड़ी को जो कि इंजरी हुई है। तो गाइस उसमें से ही निकल कर आ रहे आरसीबी के बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, उनका नाम है नवदीप सैनी। तो जी हाँ गाइस, नवदीप सैनी जो कि यहाँ पे इंजर हो चुके हैं, और गाइस यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो मुकाबला हुआ था उसमें गाइस यहाँ पे वो इंजर हो चुके हैं, और गाइस यहाँ पे रिपोर्ट ऐसी निकल कर आ रही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नवदीप सैनी आईपीएल 2020 से बाहर भी हो सकते हैं। क्योंकि गाइस अगर हम लोग आईपीएल 2020 की बात करें, भुवनेश्वर कुमार भी इंजर हुए थे, एंड उसके बाद एसआरएच की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आई थी कि भुवनेश्वर कुमार पूरी तरह से आईपीएल 2020 को मिस करने वाले, और वो आईपीएल 2020 से पूरी तरह से यहाँ पे बाहर हो चुके हैं। लेकिन गाइस आरसीबी के फैंस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, मैं भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा, हम चाहेंगे कि यहाँ पे नवदीप सैनी वापसी करे, अपनी इंजरी को रिकवर कर ले, मैं तो यही दुआ करूंगा। क्योंकि यहाँ पे आरसीबी के लिए नवदीप सैनी बहुत इंपॉर्टेंट है, देत में गेंदबाजी करते हैं, सबसे मेन बात जो कि देत में गेंदबाजी करते हैं ये खिलाड़ी। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि नवदीप सैनी का ऐसा भी इंजर हो, आईपीएल 2020 से बाहर हो जाए। लेकिन मैं आरसीबी के सभी फैंस से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गाइज आप लोग यहाँ पे दुआ करो कि नवदीप सैनी जल्दी जल्दी अपने आप को रिकवर कर ले, एंड इंजरी को जो कि टाटा बाय बाय कर दे, लात मार के वो भगा दे इंजरी को, और फिर वो पहले की तरह वापसी करे आरसीबी की टीम में, एंड फिर से वो कमाल करे देत गेंदबाजी में, पावर प्ले में, मिडिल ओवर्स में, जब भी गेंदबाजी करे वो आरसीबी के लिए चमक जाए। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, तो भाई आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आरसीबी के जितने सारे फैंस हैं आप लोग दुआ करो और नवदीप सैनी जल्दी से जल्दी अपनी इंजरी को रिकवर करके ओपनिंग 11 में आरसीबी के लिए शामिल हो जाए, हम सभी को एक गुड न्यूज जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरी न्यूज के बारे में। तो गाइस दूसरी न्यूज निकल कर आ रही है माइक हसन की तरफ से। तो माइक हसन ने गाइस एक स्टेटमेंट दिया जहां पे गाइस उन्होंने बोला है कि नवदीप सैनी की इंजरी हो जाने के बाद उनके लिए प्लेइंग 11 पिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा खिलाड़ी अगर आपके प्लेइंग 11 से बाहर होता है तो आप उनके जगह पे किसको लेंगे। तो गाइस यहां पे उन्होंने दो ऑप्शन तो रखे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि सुरू उड़ाना को फिर से टीम में वापस लाया जाएगा, मोइन अली को वहां से हटाया जाएगा, नवदीप सैनी की जगह पे शिवम दुबे की टीम में फिर से वापसी होगी, और नवदीप सैनी की जगह यहाँ पे शिवम दुबे लेने वाले हैं। तो गाइस मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है, और गाइस और कोई खिलाड़ी नहीं है इनके पास जो कि वो नवदीप सैनी जैसे खिलाड़ी को रिप्लेस करे, देत में गेंदबाजी करे, मिडिल ओवर्स में टॉप क्लास गेंदबाजी करे, तो कोई खिलाड़ी ऐसा है नहीं। तो मेरे हिसाब से शिवम दुबे है जो कि मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इंडिया के लिए उन्होंने गेंदबाजी किया, आरसीबी के लिए भी किया है, और अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया भी है। तो गाइस काफी अच्छा ऑप्शन है इनके लिए, बट मेरे हिसाब से तो नवदीप सैनी बेस्ट है यार, लेकिन अभी नहीं है तो उपलब्ध नहीं रहेंगे इंजरी के लिए, लेकिन शिवम दुबे अच्छा परफॉर्म करे हम लोग यही उम्मीद करेंगे, और नवदीप सैनी की जो कमी है वो बिल्कुल भी हो ना खेले, हम सभी आरसीबी के फैंस यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे कोई भी कमी ना खेले, एंड नवदीप सैनी की जगह पे जो शिवम दुबे की वापसी होगी टीम में वहाँ पे वो कमाल कर दे, धमाल कर दे। तो गाइस आपका इस पर में क्या ओपिनियन है, कौन से खिलाड़ी को जगह मिलना चाहिए, तो नीचे आप लोग आरसीबी की परफेक्ट प्लेइंग 11 बताइए विदाउट नवदीप सैनी के। तो गाइस अगर आपको आज की दो न्यूज मुझे पता है कि अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन गाइस जो भी हो अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नवदीप सैनी जल्दी से जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेंगे, हम लोग यही उम्मीद करेंगे। तो गाइस अगर आपको आज की दो इंपॉर्टेंट न्यूज अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो कीजिए लाइक शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 80% लोग होते जो कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाते, अगर आप लोगों में से एक है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।